यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइफलाइन स्टडी सेंटर, लाइफलाइन स्टडी सेंटर। तो देखिए आज राजनीति का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक का नाम हमारा महान्यायवादी और महाधिवक्ता। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें यह समझना होगा कि दोनों में से बड़ा कौन होता है। एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं लेकिन बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देता है एग्जाम में क्वेश्चन कि देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, और हमको ये पता रहता है विधि की बात किया है तो देश के राष्ट्रपति, या फिर उसमें ऑप्शन में आपको दे देता है मुख्य न्यायाधीश। तो हम लोग आंसर होता है सीधा मुख्य न्यायाधीश, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। मुख्य न्यायाधीश देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी नहीं होंगे। देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी क्या होगा जी? महान्यायवादी, क्योंकि ये देश में है तो ये देश में होगा। अगर क्वेश्चन देगा राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, ठीक है दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी की बात करेगा तो महाधिवक्ता, राज्य आपका स्टेट, और केंद्र के अंदर यानी देश के अंदर आपका महान्यायवादी। ठीक, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बात करते हैं इसे आर्टिकल की, एग्जाम में डायरेक्टली आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम अपने वीडियो में पहले ही बता चुके हैं जितने भी राजनीति के अनुच्छेद होंगे, आर्टिकल होंगे, वो सारा 1, 11 और 23 पे आपको फिनिश कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको सिर्फ एक आर्टिकल याद करना है, सिर्फ इसको याद कर लेंगे, आर्टिकल नंबर 76, यानी देश के सबसे बड़ा अधिकारी, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी, किस अनुच्छेद के तहत आता है? 76। अब देखिए देश में है, ये आपका कहाँ पे जी? राज्य है, और ये आपका है देश में। ठीक, देश के अंदर सबसे बड़ा और राज्य के अंदर सबसे बड़ा, ये आपको ध्यान पे देना होगा। एक वर्ड के कारण क्वेश्चन का प्रारूप चेंज हो जाएगा। अगर वहां पे लगा दिया गया देश या फिर केंद्र, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन, तो महान्यायवादी होगा, महान्यायाधीश नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वहां पे देश को हटा के अगर राज्य लगा देगा तो आंसर आपका होगा महाअधिवक्ता। तो इसी का आर्टिकल नंबर था 76। इस आर्टिकल की बात करते हैं तो ये पता है कि ये इससे छोटा ही है, बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि वो राज्य में है, तो राज्य में छोटा होगा, देश में आपका बड़ा होगा। जैसे आपका देश के अंदर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? राज्यपाल को। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति से छोटा है क्योंकि वो आपका राज्य में है। तो यहाँ पे जो एक आर्टिकल आपके सामने निकल गया है 76, और इस आर्टिकल को कैसे याद करेंगे? आपको ये पता है कि ये इससे छोटा है। कितना छोटा है जी? 1 पावर, 1 और 1 इसमें से माइनस कर दीजिए, 1 पावर छोटा है, 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास में होगा 6 में से 11 5, 7 में से 11 6, 1 पावर छोटा, 1 साथ में आपको लगा देना तो आपका आर्टिकल नंबर हो जाएगा 165। किसका हो गया जी? 165 आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर महाअधिवक्ता का। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल आपको इस तरह से पढ़ा देंगे कि कभी भी एग्जाम में आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी क्या होगा जी? महान्यायवादी। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महाअधिवक्ता। अब बात करते हैं, जब भी आपको कभी राजनीतिक पढ़ना है तो एक उसको क्रम में रीडिंग मारेंगे। इस क्रम से अगर रीडिंग मारेंगे तो काफी हद तक आप उस राजनीति का टॉपिक बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे और सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले आपकी इसकी योग्यता की। इसकी योग्यता क्या है, मतलब आपको महान्यायवादी बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको पढ़ाए थे सुप्रीम कोर्ट, इसका सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होगी, वही योग्यता चाहिए आपको महान्यायवादी के लिए। ठीक है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए मुख्य योग्यता होती है, अनिवार्य योग्यता होती है, वही योग्यता रखी जाती है देश का महान्यायवादी बनने के लिए। ठीक, उस प्रकार से आपका कहाँ पे जी? ये राज्यों में है, तो राज्यों के अंदर क्या होगा आपका? हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता चाहिए, वो आपको महाधिवक्ता बनने के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, शपथ की बात करते हैं। इसको शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ दिलाता है देश का जो प्रथम नागरिक, कौन हुआ जी? राष्ट्रपति। तो इसको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्य का प्रथम नागरिक, राज्यपाल। तो इनको शपथ दिलाएंगे देश के, सॉरी, राज्य के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। इसका कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल है, कोई कार्यकाल इसका फिक्स नहीं है। ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि उसको कितने वर्ष के लिए चयनित किया जाए, कितने वर्ष तक उससे काम कराया जाए, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। तो इसका कार्यकाल किस पे निर्धारित है जी? राष्ट्रपति पे। उसी प्रकार से
आपका महाधिवक्ता का कार्यकाल किस पर निर्धारित है जी, राज्यपाल पे, मतलब राज्यपाल के पश्चात परंत्र पे। उसी प्रकार से आपका जो देश के अंदर जो महान्यायवादी है इसका जो कार्यकाल होगा एक समय फिक्स नहीं होगा, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कितने वर्ष तक उसको किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं त्याग पत्र की। जिस प्रकार से इसको बनाया किसने था, सॉरी महान्यायवादी को किसने बनाया था, राष्ट्रपति ने। अगर इनको अपने पदवी से हटना होगा, त्याग पत्र देना होगा, तो ये देंगे त्याग पत्र किसको जी, राष्ट्रपति को। ठीक उसी प्रकार से अगर महाधिवक्ता की बात करें तो अपने त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को। अब बात करते हैं इसके कार्य की, मतलब इन लोग का काम, ये लोग का काम क्या होता है। तो देखिए इनका मेन काम क्या होता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी तो पहले आपको ये समझना होगा कि कल की इसके कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल सॉरी इसके काम की बात करें, इसका कार्य क्या होता है। देखिए जो देश के महान्यायवादी हैं उसका मेन काम क्या होता है, वो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि ये संसद का सदस्य नहीं होता, ये संसद का सदस्य नहीं होता और ना ही ये विधानमंडल का सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, ना तो संसद का सदस्य होता है महान्यायवादी, राज्य के अंदर महाधिवक्ता तो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, भारत सरकार को कानूनी अधिकारी के बारे में सलाह देना, कानूनी अधिकारी के बारे में मतलब कानून किस तरह से उसके बारे में उसको सलाह देना है, उसके काम में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं होने के नाते कानूनी अधिकारी में भाग लेगा, सलाह देगा, मशवरा करेगा, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान के देना होगा, वो मतदान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये आपका राज्य के अंदर है तो ये राज्य के जो भी आपके कानून होंगे उसके प्रति सलाह देने का काम करेगा, राज्य का जो भी कानून होगा उसके प्रति सलाह देगा, मशवरा देगा। लेकिन ये विधानमंडल के अंदर, एक तो पहली बात तो आपको पता है विधानमंडल का विधान परिषद का सदस्य नहीं होता, ठीक, उसके अंदर भाग लेगा, उसके सारी गतिविधियों में वर्क करेगा, अपना सलाह मशवरा देगा, लेकिन वो मतदान नहीं करेगा, वो मतदान नहीं करेगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसको मतदान करने का अधिकार नहीं है, महान्यायवादी को देश में, राज्य के अंदर निम्नलिखित में से राज्य में किसको मतदान करने का अधिकार नहीं है, विधानमंडल के अंदर, तो आपका आंसर क्या होगा जी, महाअधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका छोटा सा टॉपिक था। एक चीज आपको इसमें बता दें, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का प्रथम महान्यायवादी किसे बनाया गया था, उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, तो आप उसका नाम याद कर लेंगे, एच सी सीतलवाड़। और यही अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा है, 1950 से 1963 तक, यानी आप देखेंगे तो कुल 13 वर्ष तक सबसे लंबा कार्यकाल। महान्यायवादी की बात करेगा तो एम सी सीतलवाड़ और इनका जो कार्यकाल था 1950 से 1963 तक। लेकिन अभी वर्तमान की बात करेगा कि वर्तमान में किसे महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया हुआ है, तो आपका उसका नाम है के वेणुगोपाल। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको के वेणुगोपाल। ठीक है दोस्तों, महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता देखिए चेंज होते रहते, राज्य की बात होती है। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो सेंट्रल लेवल पर क्वेश्चन देगा, यानी देश के नजर से देगा। इसी करके देश के अंदर जो प्रथम आपके जो महान्यायवादी बनाया गया था वो थे एम सी सीतलवाड़, और आपके वर्तमान में अभी कौन है जो कि 2017 से है जी, जून 2017 से है, ये ध्यान में रहे आपको, के वेणुगोपाल अभी देश के हमारे महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ भी गया होगा और कुछ आपको इसके बारे जानकारी मिली होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में। और एक चीज़ आप काम कीजिएगा, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, अगर आप किसी टॉपिक के बारे और पढ़ना चाहते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक में राजनीतिक ऐसा टॉपिक है, कई स्टूडेंटों की कंप्लेंट आता है कि सर हमको समझ में नहीं आता, जब उसको एक तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे तो दोस्तों बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, किताब उठाते एक पैरा पढ़ते हैं आज, एक पैरा पढ़ते हैं कल, उसे क्या होता है जब तीसरे दिन हम दोनों के साथ पढ़ते हैं तो आपस में मिक्स हो जाता है, तो हमारी गलतियाँ ज़्यादा निकलती है। ठीक है दोस्तों, कभी भी आप पढ़ें तो एक तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ें। अगर फिर भी आपको जीके जीएस पढ़ने में कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, चाहे आपका राजनीति का है, चाहे साइंस का है, चाहे हिस्ट्री का है, चाहे भूगोल का है, कोई भी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका वीडियो बना के आपको बहुत ही सही तरीके से और एक कम समय में जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ आपको मूव कर सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।